हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय ब्लॉग चैनल। और अभी से ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। मॉर्निंग का टाइम है और हमने ब्रेकफास्ट कर लिया है। ले रही हूँ मैं ऑरेंज। ऑरेंज का है, कौन सा है ये? मौसम्मी का है। मौसम्मी का जूस आशीष ने बनाया हुआ है और डेली इनका ही काम है जूस बनाकर देने का। और कृष्णा भी पी रहा है। कृष्णा आपका कहाँ गया? अच्छा, कृष्णा यहाँ बैठा हुआ है, यहाँ जूस पी रहा है। इनकी छोटी सी गिलास है और आशीष यहाँ पर बैठे। आज आपने फिनिश भी कर दिया इतनी जल्दी। तो चलो मैं थोड़ा थोड़ा सिप सिप करके पीती हूँ, बिकॉज मुझे ना एकदम से पीने में वॉमिटिंग हो जाती है। तो संडे है आज, संडे में मौसम भी बहुत अच्छा हुआ है। और बाकी आज खरीदारी करनी है मुझे माता रानी की। नवरात्रि है, कल से स्टार्ट है और इस बार कन्या भोज भी करूँगी। तो माता रानी की दुआ से इस बार मुझे 9 कन्या मिल जाए तो और अच्छा रहेगा। अष्टमी में मैं कन्या खिलाती हूँ, ठीक है। तो चलो मैं पहले जूस ख़त्म कर देती हूँ अपना और फिर मिलते हैं आप लोगों से, ठीक है। तो गाइस, मीनाक्षी आ चुकी हैं और मैं जा रही हूँ दोनों वॉशरूम की सफाई करने के लिए, क्योंकि मैं वॉशरूम की सफाई करके नहा लेती हूँ। तो इससे क्या होता है कि उनको नहीं करना पड़ता, बिकॉज वो किचन में चाय वगैरह बना लेती हैं। हाँ, चीनी देखो नया पैकेट निकालना पड़ेगा ना, उसमें से निकाल लो आप। कृष्णा नहा चुका है, मैंने कृष्णा को पहले ही नहला दिया था। और अब देखो यहाँ पर आशीष बैठे हैं, ये खा रहा है बनाना। कृष्णा से हाय। गंदा, मैंने मशीन लगा दिया है। एक बार के कपड़े धुल रहे हैं, एक बार के कपड़े धुल गए हैं, ये हैं कपड़े। और एक बार के जो हमारे कपड़े हैं वो धुल गए हैं, ये। सो गाइज, यहाँ पर मैं वॉशरूम साफ़ करी थी, क्योंकि मैं मीनाक्षी से वॉशरूम साफ़ नहीं करवाती हूँ, क्योंकि दोपहर में जैसे रोटी वगैरह आटा वाटा गूँथना होता है तो वो कर देती हैं। तो बर्तन से कोई इंसान गंदा नहीं होता, बर्तन तो सभी लोग धोते हैं, आप लोग भी अपने घर में धोते हैं। तो मेरा सुबह का बर्तन कोई इतना नहीं होता है, सुबह हम लोग वो सारा साफ़ सफाई करके जाती हैं। रात में एक दो बर्तन होते हैं, क्योंकि मैं रात में खाना खाती नहीं हूँ, आशीष को ही खाना खाना होता है। तो एक दो बर्तन होते तो मैं कर लेती हूँ, फिर वो सुबह आ जाती हैं 7 बजे 7:30 बजे, फिर सुबह बर्तन वगैरह करके फिर वो चली जाती हैं, फिर दोबारा आती हैं 11 बजे। और उसके बाद से हमारा झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े सारा कुछ करती, तो मैं बाथरूम खुद ही साफ़ करती हूँ। और मैं अभी जो है, मतलब अभी जब तक कि मैं आपको दिखा रही थी, कल से तो मैं टाइम पे उठूँगी, मीन्स कि 6 बजे 5 बजे उठ जाऊँगी, 6 बजे लास्ट। तो अभी मैं उठ रही थी, ज़्यादा जल्दी नहीं उठ पाती थी, 7 बजे 6:30 बजे ऐसे उठ रही थी। तो अब कल से मुझे 5 बजे या फिर 6 बजे उठना पड़ेगा। बाकी वॉशरूम मैं इसलिए साफ़ करती हूँ कि मैं वॉशरूम साफ़ करके सीधे नहाने चली जाती हूँ, और नहा करके फिर क्या होता है, इंसान साफ़ सुथरा हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं होती है। तो बस यहाँ पर मैंने इसीलिए आप लोग के साथ में शेयर कर दिया। और वॉशरूम ना बिल्कुल साफ़ सुथरा अच्छा लगता है। नवरात्रि है, स्टार्टिंग है, तो आधा काम सारा काम इन्होंने कर लिया था, कारपेट वगैरह जो भी है या फिर जो डस्टिंग है, झाड़ू पोछा अच्छे से इन्होंने कर लिया था। मैंने कहा वॉशरूम दोनों मैं साफ़ कर लूँगी और सीधे नहा लूँगी। तो आशीष ने बोला आराम से करना, गिर मत जाना। मैंने कहा नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आशीष नहीं कर पाते हैं और उनसे आदमियों से होता भी नहीं है, कभी उन्होंने करा भी नहीं है। और वॉशरूम मुझे क्लीन साफ़ सुथरा अच्छा लगता है, इसलिए मैं ज़्यादा ही सफाई पर ध्यान रखती हूँ। और वॉशरूम साफ़ हो जाता है ना तो सारी चीज़ें सही हो जाती। तो चलो मैं आप लोग को नहा कर मिलती हूँ, ठीक है, फिर आप लोगों से बात करती हूँ, क्योंकि नहा कर मैं चाय लूँगी। मेरी चाय बन चुकी है और मैंने नहा लिया है बाथरूम वगैरह साफ़ करके। मैं कृष्णा बिस्किट खाने जा रहा है चाय से, आशीष यहाँ पर नहा कर बैठे हैं। और अब बनाऊँगी मैं मटर पनीर की सब्ज़ी, चावल और रोटी। कुछ बोल बोल दिया करो, चूहा तो नहीं इसके नीचे, गाड़ी चल गई क्या? चूहा ही होएगा। सो गाइस, चलो मैंने एक बार पानी चाय पी लेती हूँ और चाय पी कर फिर बात करते हैं। सो गाइस, अभी मैंने मीनाक्षी को भेजा है मटर लाने के लिए, तो मटर लेकर आएंगे तो मटर पनीर की सब्जी बनाऊंगी। अगर मटर नहीं मिलेगा तो फिर मटर, मेरे पास कुछ मिक्स वेजिटेबल्स रखी हैं तो वो डालकर और फिर पनीर और मिक्स वेज टाइप का कुछ बना लूँगी, क्योंकि मटर नहीं मिलेगी तो फिर ऐसे ही करना पड़ेगा। ये गिराया मतलब वहां पे बना, तेरा भूत बना दूंगा मैं। आशीष कृष्णा को डांट रहे।
और देखो मेरा ये जो दाग था जला हुआ, ये ना बिल्कुल ख़त्म हो चुका था, बट जैसे ही झाइयाँ स्टार्ट हो गई ना मेरे को प्रेगनेंसी में, तो ये फिर से ना दिखना शुरू हो गया। और ये यहाँ यहाँ पर भी, मैंने इस समय कोई मेकअप नहीं किया है, कोई भी मेकअप वाली चीज़ नहीं लगाई है, तो बस ये है कि हाँ हल्का फुल्का डार्कनेस हो गई है चेहरे पर पहले से, बट बालों की ग्रोथ, आईब्रो की ग्रोथ बहुत अच्छी हो चुकी है। अब मैं ना करवा चौथ पर घर पे ही बुलाऊंगी इस बार पार्लर वाली को, तो मैं सोच रही हूँ कि कुछ कर तो पाऊंगी नहीं, क्योंकि सुबह उठी थी मैं 7 बजे, तो 7 बजे नाश्ता वाश्ता हमने कर लिया था, 6:30 मतलब 7:30-8 बजे तक कर लिया था। मीनाक्षी 11 बजे आई हैं, तो बस मैंने सोचा है कि इस बार मैं पार्लर वाली को घर पे बुलाऊंगी, मेहंदी वेहंदी सब यहीं लगवा लूंगी, और उसके बाद से देखते हैं आगे का। और आज जाना है थोड़ा बहुत शॉपिंग करने के लिए। ठीक है, तो मिलती हूँ मैं थोड़ी देर में आप लोगों से, खाना वाना बना कर लंच वगैरह। सो गाइस, हम लोग जा रहे हैं नवरात्रि का सारा सामान खरीदने, तो मैं आऊँगी ना फिर उसके बाद से आप लोगों से मिलती हूँ। ठीक है गाइस, मार्केट से आ चुकी हूँ मैं, और मैंने चाय बनाई है अभी, क्योंकि बाहर ना चाय मैंने पीनी थी, मुझे उल्टी जैसा हो रहा था और इस समय होने लगता है, तो इसलिए मैंने कहा घर पर चलती हूँ, पहले मेडिसिन लूँगी उसके बाद चाय बनाऊँगी। आशीष अपना बैठे यहाँ पर चेंज करेंगे, ये भी आराम करेंगे। आशीष की चाय वहाँ रखी है, और मैंने मेडिसिन ली, मेडिसिन लेकर के आकर चाय बनाई है, तो चलो हम लोग चाय पी लेते हैं। ये यहाँ पर मैंने लिए हैं ड्राई फ्रूट्स की नमकीन है, और ये रागी के चिप्स हैं। सो गाइस, आशीष गए हैं जूस बनाने, और हम मार्केट से आ गए थे, मैं बहुत थक गई थी क्योंकि ना मुझे डॉक्टर ने रेस्ट के लिए बोला है, बट मंदिर का सामान मेरे बिना नहीं आ सकता है, टाइम 8:30 हो रहा है, और ये घड़ी जो है ना 15 मिनट आगे है। संडे ऑफ रखती हूँ मैं मेंबरशिप से, मेरी बातें जो हैं 1 अक्टूबर से मैं स्टार्ट करूँगी कंटिन्यूसली, क्योंकि दो टाइमिंग ही 11 से 12 मॉर्निंग का है और 8 से 9 इवनिंग का है, तो इवनिंग में मैं बातें नहीं कर पाती हूँ क्योंकि मुझे रात में उल्टी बहुत ज़्यादा आती है, बहुत ज़्यादा। मैं खाना भी नहीं खाती हूँ, रात का स्किप करती हूँ। मैंने कहा चलो आप लोगों से आज एक गुड न्यूज़ शेयर करती हूँ, वो ये कि मेरा जो वीक चल रहा है और उसमें आज मुझे देवी की किक फील हुई है फर्स्ट, जो मुझे बहुत अच्छी लगी और खुशी हुई। डॉक्टर ने बोला अब आपको इस किक का हमेशा ध्यान रखना है, ये जो किक है ये बढ़नी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए। मैंने कहा ठीक है, और आशीष कह रहे हैं रंग आ रहा है मैंने कहा चलो रंग आ रहा है तो माता रानी आएंगी हमारे घर में, मैंने कहा इनसे, तो कह रहे हैं मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पहले भी और अब भी, लड़का हो लड़की हो मेरे लिए दोनों बराबर है। आशीष की थिंकिंग बहुत अच्छी है, बहुत सारे लोगों को लगता है कि उनके घर में लड़कियां हो जाती हैं तो उनको प्रॉब्लम होती है, देखो बहुत सारे लोग हैं ऐसे, मैं गलत हूँ तो बताना, मैं सही हूँ तो बताना, बिकॉज़ ये जो मैं पॉइंट बोल रही हूँ कुछ लोगों को बुरा लग सकता है और कुछ लोगों को सही भी लग सकता है, क्योंकि सब लोग चाहते हैं कि उनके पास एक लड़का एक लड़की हो, हमारे पास में बेटा है और हमारी लड़की हो जाएगी, हमारी फैमिली कंप्लीट हो जाएगी, कृष्णा की बहन आ जाएगी। तो आशीष मेरे को बोल रहे थे बड़ा रंग आ रहा है तुम्हारे ऊपर, चेहरा भी तुम्हारा साफ़ हो चुका है। मेरा वेट नहीं ज़्यादा बढ़ रहा है, कम है, तो बाकी देखते हैं माता रानी के हाथ में है क्या आएगा क्या नहीं आएगा। दूसरी चीज़ ये, कृष्णा तो हमेशा यही बोलता है मेरा भाई आएगा मेरा भाई आएगा। मैंने आज बोला उससे दादी के घर जाओगे, कह रहा नहीं। मैंने कहा कब जाओगे, आज इनकी बुआ से भी बात हुई थी कृष्णा की, तो मैंने बोला दीदी कब आओगे, दीदी बोल रही हैं कि वेनसडे को छुट्टी होती है तुम्हारे जीजू की, फिर देखती हूँ मैं टाइम मिलेगा तो आऊँगी। मैंने कहा अब तो ऐसे ही लगता है आओगे जब बेबी हो जाएगा कह रही है हाँ हो सकता है। मैंने कहा नहीं ऐसे थोड़ी होता है, तो कह रही है नहीं कोई बात नहीं मैं बीच में आऊँगी टाइम जैसे निकलेगा, क्योंकि एक्चुअली ना हम गाज़ियाबाद में रहते हैं और जो दीदी हैं वो दिल्ली में रहती हैं, तो दिक्कत होती है, दूर है काफ़ी, अकेले नहीं आ सकती हैं वो इस वजह से। तो दीदी ने पूछा, यानी कि कृष्णा की बुआ ने पूछा, छोटी बुआ से बात हुई थी, बड़ी वाली से नहीं, कृष्णा की दो बुआ हैं, तो उनसे कह रहा है कि जब मेरा भाई आ जाएगा फिर आऊँगा मैं आपके घर। मैं कही हे भगवान, इसकी बुआ फ़ोन पे हंसना शुरू कर दी, कह रही क्या कह रहा क्या कह रहा है। मैंने बताया बाकी देखते हैं, बस माता रानी करे मेरा जो बेबी हो बहुत अच्छे से हो जाए, कोई दिक्कत ना हो, मेरी रात की उल्टी और बंद हो जाए जिससे मैं रात का फूड लेना शुरू करूँ, क्योंकि मेरा वेट तभी बढ़ेगा, और डॉक्टर ने बोला है हर महीने 1 kg 1.5 kg वेट बढ़ना ज़रूरी है, इससे आप भी हेल्दी रहोगे और बच्चा भी हेल्दी रहेगा, क्योंकि ना रात में 6 बजे के बाद मैं कुछ भी नहीं खा पाती हूँ, पानी पी लेती हूँ दवाई खा लेती हूँ बस, और मैं खाना नहीं खाती हूँ रात में,
तो मुझे फर्स्ट की काज फील हुई। मैंने कहा आप लोग को गुड न्यूज़ देनी चाहिए। 16वां हफ्ता चल रहा है मेरा, बाकी देखते हैं क्या है कैसे है, क्या चीज़ें हैं, कब होती हैं कब नहीं होती हैं। क्योंकि डिलीवरी में तो बहुत टाइम है अभी, और मैं जब आई हूँ वहाँ से बाहर से बहुत थक गई थी, बहुत सारा सामान लेकर आया पूजा का। तो अब मैं आप लोग को कल दिखाऊंगी। मैं बहुत अच्छे से नहीं करूंगी इस बार, जितना मैं कर पाऊंगी उतना ही करूंगी। मैं हर बारी सप्तशती पाठ करती हूँ, अब वो सुबह ही डिसाइड होगा मेरा कि मैं करूंगी या नहीं, क्योंकि सप्तशती में टाइम लगता है और इतनी देर तक मैं नहीं बैठ पाऊंगी। तो मुझे लगता है कि मेरे को 40 और आरती ही करनी चाहिए, और माता रानी के 108 नाम मैं हमेशा लेती हूँ, वो लूँगी बस। और इस बार सप्तशती का पाठ मैं नहीं कर पाऊँगी, कलश रखूँगी मैं, तो आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी अपनी पूजा जो भी मैं करती हूँ। ठीक है, तो आज का व्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ। फर्स्ट फीलिंग आपके साथ में शेयर करी है। आई होप आज का व्लॉग आप लोग को अच्छा लगा होगा। इसमें मैं आप लोग को अपनी डाइट भी बताती रहती हूँ बीच बीच में, थोड़ा बहुत मैं चलती फिरती रहती हूँ, ऐसा नहीं है कि थोड़ा बहुत काम ना करूँ। काम करना ज़रूरी भी है और बहुत ज़्यादा नहीं करना ज़रूरी है, क्योंकि ब्लीडिंग होने से प्रॉब्लम हो सकती है मुझे इस वजह से। तो चलो आज का व्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ, मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। बाय, गुड नाइट।